अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास बेटा, हम ज़खीरा कुरानी अल्फाज वर्ड मीनिंग कर रहे थे तर्जमा कुरान में से। इसके कुछ वर्ड मीनिंग हमने पहले किए थे, अब उससे आगे हम वर्ड मीनिंग कर रहे हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। मैसूरुन आसान नरम, दो मीनिंग है इसके। मैसूरुन आसान नरम। यादा का तेरा हाथ, यादुन का मतलब है हाथ, का मतलब है तेरा। यादा का तेरा हाथ। मगलूला तुन बंधा हुआ, मगलूला तुन बंधा हुआ। महसूरुन थका मांदा, महसूरुन थका मांदा। इयाकुम तुम्हें भी, इयाकुम का मतलब होता है तुम्हें भी, यानी इया खास, कुम तुम्हें, यानी चंद ज्यादा लोगों में से चंद सिलेक्टेड लोग हों उनको कहते हैं इया खास। इयाकुम तुम्हें भी। फिर देखें, मैसूरुन आसान, यादा का तेरा हाथ, मगलूलतुन बंधा हुआ, महसूरुन थका मंदा, इयाकुम तुम्हें भी। मंसूरुन मदद दिया हुआ, जिसकी मदद की गई हो। मंसूरुन मदद किया हुआ या मदद दिया हुआ। अशुद्धा हु अपनी जवानी को, अशुद्धा कहते हैं जवानी, हु अपनी। अशुद्धा हु अपनी जवानी को। अलकिस्तासु तराजू, अलकिस्तासु तराजू। असमउ कान, अलबसरु आंख। असमउ कान, अलबसरु आंख। फिर देखें, मंसूरुन मदद दिया हुआ, अशुद्धहु अपनी जवानी को, अलकिस्तासु तराजू, असमउ कान, अलबसरु आंख। अलफुआदु दिल, मराहन अतराते हुए। लन तखरीका तू हरगिज नहीं फाड़ सकेगा। लन का मतलब होता है हरगिज नहीं, तखरीका तू फाड़ सकेगा। मकरूहन नापसंद, मदहूरन धतकारा हुआ। फिर देखें, अलफुआदु दिल, मराहन अतराते हुए। लन तखरीका तू हरगिज नहीं फाड़ सकेगा। मकरूहन नापसंद, मधुरन दत्कारा हुआ। इवाजन कोई कजी या कमजोरी, कजी कहते हैं टेढ़ापन। इवाजन कोई कजी या कमजोरी। कयीमन इस हाल में के वो सीधी है, कयीमन इस हाल में के वो सीधी है। लियुन जीरा ताके वो ड्राई, लियुन जीरा ताके वो ड्राई। युबशीरा ताके वो खुशखबरी दे। माँ किसी ना इस हाल में के वो रहने वाले होंगे। फिर देखें, इवाजन कोई कजी या कमजोरी। कयीमन इस हाल में के वो सीधी है। लियुन जीरा ताके वो डराए। युबशीरा ताके वो खुशखबरी दे। माँ किसी ना इस हाल में के वो रहने वाले होंगे। आसाफन गम के मारे, आसाफन गम के मारे। लिनब्लुवाहुम ताके हम उन्हें आजमाएं, लिनब्लुवाहुम ताके हम उन्हें आजमाएं। आहसानु ज्यादा अच्छा, आहसानु ज्यादा अच्छा। असहाबुल काफी गार वाले, असहाबु वाले। अलकाफी गार, असहाबुल काफी गार वाले। अर्रकीमु तख्ती। फिर देखें, आसफन गम के मारे। लिनब्लुवाहुम ताके हम उन्हें आजमाएं। आसानो ज्यादा अच्छा। असहाबुल काहफी गार वाले। अर्रकीमु तख्ती। तो बेटा, ये वर्ड मीनिंग आपने अच्छी तरह से याद भी करने हैं और आपने इनको नोटबुक पे नोट भी कर लेना है। इसके बाद इंशाल्लाह दो पार्ट में आपके और वर्ड मीनिंग होंगे जो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट 2 लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज।